किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और दमदार वीडियो के साथ में। किसान भाइयों आप देख रहे हैं आपके सामने जो बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा हुआ है, और भाइयों ये कोई और गन्ना किस्म नहीं है, ये अपना 0238 गन्ना वैरायटी है। तो सबसे पहले किसान भाई से परिचय लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चौधरी साहब आप अपना नाम परिचय करवा दो जी। मेरा नाम गुरुदेव सिंह सनोप श्री ओम प्रकाश, ग्राम खनौदा, जिला मेरठ जी। तो पहले तो इतनी अच्छी फसल करने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई दे। मैं बहुत से किसान भाई जो हैं 0238 बीज को इसके एहसान भूल गए जी। ठीक है जी, जी। यो खत्म हो गया, इस पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी जी। आपने यो कैसे थाम दिया इतना जबरदस्त? इसमें ऐसा है जी, पहले तो मैं भाई साहब का धन्यवाद दूंगा जी। आप ये हमारे यहाँ पर आए और हमारे खेत का इन्होंने निरीक्षण किया। नहीं मैं तो जब आपने मुझे बताया हाँ जी कि भैया 0238 ही है हाँ जी, और फोटो भी भेजा व्हाट्सएप पे हाँ जी, पर मुझे लगा मगर भाई आज तो जाना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें देखो जी भाइयों, इसमें बहुत यह है सिंपल, यह है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, रेगुलरिटी बनाओ जी, और सबसे पहले आप सोयल पे काम करो जी। जिसने सोयल पे काम कर लिया उसका पौधा निश्चित रूप से ही स्वस्थ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा सा बीज पे ध्यान करो, इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर का थोड़ा सा कोशिश करो, देखो थोड़ी मेहनत लगेगी जी, तो उससे निश्चित रूप से आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कल परसों भी मैंने वीडियो डाली थी जी, एक अपलोडिंग में चल रही है, आज हो जाएगी जी। उसमें भी मैंने यही कहा कि किसान भाइयों आप हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी क्या आसपास में क्या है जी, हम गोद के को छोड़ के जी 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 पेट के की आस कर ले जी जी जी, जो हमारे सामने खड़ा है जी, जिसने हमारा अब तक साथ दिया जी जी जी, वो हमने छोड़ दिया जी। जरा से एक दो खेत बिगड़े या कहीं क्षेत्रों में दिक्कत आई, गैल हमने एकदम साथ के साथ ही कहना शुरू कर दिया कि ये वैरायटी खत्म है, ये वैरायटी खत्म है जी जी जी। खत्म होने का मतलब ये नहीं होगी कि बिल्कुल खत्म होगी जी जी। हमारे जो मैं खुद भी बता रहा हूँ, पहले किसान हूँ यूट्यूबर बाद में हूँ जी जी, हमारे जितनी भी हमने वैरायटी बो रखी है आज भी सबसे अच्छा फीडबैक जो है 0238 का है जी जी। और मैं आज सुबह भी मैं खेत में गया, मैंने देखा जो हमारा तिबरसी का भी गन्ना है वो बहुत अच्छा खड़ा जी जी। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था पीछे भी कि भैया वो बीज पे काम करो जी, जमीन पे काम करो जी, वही बात आज आपने भी कही कि भैया बीज पे काम करो जी जी। तो जी बीज पे काम किस तरह करो, मेरा कहना तो किसान भाइयों को समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा अपने तरीके से समझाओ। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, आपका अपना काम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर आपको ये ध्यान करना है कि भाई एक तो ऊपर जो बीज आपका स्वस्थ रहेगा जी, स्वस्थ मिलता है जी। नीचे अधिकांश आपने देखा होगा थोड़ा सा काना पड़ जा जी, थोड़ी सी दिक्कत आ जा उसमें, कुछ गन्ना पटसी भी जा, कुछ गन्ना फटसी भी जा, जैसे ये फट रहा ये हाँ, क्वालिटी डाउन हो जाए, क्वालिटी डाउन हो जा। आपको जो क्वालिटी मिलेगी ये जो जी मटेरियल है हाँ जी हाँ जी, ये आपको मतलब सीधा 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 यहाँ मिलेगा, ये मान के चलो ये जो पहला यहाँ है लास्ट जो, बस 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 मेहनत करके अगर यहाँ से कट कर दे बस 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 तो यहाँ से ठीक हो जाएगा, इतना इतने में ही आपको 70% लाभ मिल जाएगा जी। आगे जो है भाई आपको एक तो थोड़ा सा सेवा बोना, इसे लागू मत बोया करो कोई भी गन्ना हो। अच्छा जी, क्योंकि उसमें किसान गलती कर जाए लागू बो के आधा जमाव खराब हो जा। बिल्कुल। इसमें पहली बात तो आपका बीज सही हो गया, बिल्कुल सेवा बोलिया आपने ठीक है, मिट्टी ज्यादा मत करो और ज्यादा उसी गैल कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन उसे पड़ा रहने दो, ब्याह त्याह सब लिकड़न दो जी, उसके बाद आपको करना है जो भी करना है उसके बाद करो जी। तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ ये कितना रकबा है जी अपना जितना 0238 खड़ा, ये है जी करीब 14 बीघे का नंबर है, पूरा नंबर पूरा नंबर। और ये सारे का सारा ही ऐसा खड़ा मुझे लगे, सारा ऐसा ही टोटल है, टोटल ऐसी एक भी गन्ना छोटा बड़ा कहीं नहीं बता सकते आप। बिल्कुल। तो मुझे ये बात बताओ, आप ज्यादातर सभी किसान भाई समझदार ही हैं जी जी जी, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं आपसे और हमसे ज्यादा ज्ञान है जी जी जी। अब मुझे ये बता दो आपने अपने खेत का सुधार कैसे करा, शुरुआत से बता दो जी एक बार। देखो जी सबसे जरूरी है किसान के लिए फसल चक्र अपनाना, ठीक है जी। मैंने इसमें और कोई वैज्ञानिक कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सरसों का खेत है था यो, पहले सरसों बोई ठीक है, अच्छी पैदावार सरसों की ली मैंने ठीक है जी। उसके बाद मैंने बढ़िया से खेत तैयार करा ठीक है, तैयार करके अपने सिंपल विधि से 28 इंची पे बो लिया जी। इस बेचारे को भी टाइम दिया भाई, जितना तू बढ़ना ब्याथ करना तू कर ले, मैंने छेड़ा ही नहीं
ठीक है। फिर उसके बाद में जो मैंने दूसरा पानी दिया इसे जी, उसमें थोड़ा सा एक इंसेक्टिसाइड और एक सिंपल सा फंजीसाइड वो लगा के पानी दे दिया, और जब उसके बाद निराई गुड़ाई शुरू करी। आपने जैसे इसकी बुआई करी जी, उस टाइम आपने इसमें बुआई में कुछ नहीं डाला? बुआई में मैंने कुछ नहीं डाला जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि सरसों में ऑलरेडी डाई और पोटास मैंने डाल रखी थी। ठीक है जी, ठीक है जी, उसके बाद में मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ठीक है, तो जैसे इसकी चौड़ाई आपने रखी 28 इंच में रखी जी, तो गन्ना कितने आंख का लिया, दो का तीन का? देखो जी, सिंपल बुआई है हमारे, तीन आंख की बो है भाई, छुल्ला से बुआ है हम, कहीं तीन आंख कहीं पांच आंख, हाँ, लेकिन बस वो है के ऊपर का बोया हमने, मतलब मेहनत करी, मेहनत करी, बीज भी काम करा, बीज पे काम करा, बहुत बढ़िया। हाँ। तो फिर इसमें जैसे दूसरे पानी पे आपने इसमें खुराक बनाई, तो उसमें खुराक कितनी कितनी बनाई, डाई कितनी रखी उसमें? ऐसा जी, ढड़ी बीघे की डाई, ठीक है, ढड़ी बीघे का सोसाइटी से पोटास का कट्टा मिला है जी, जी इस बार मिला, पता नहीं हर साल मिलता नहीं मिलता जी, तो धड़ी बीघे का वो हो गया, हाँ जी, डाई होगी, पोटास होगी, और धड़ी बीघे का यूरिया, ठीक है, वो लगा के मैंने इसमें इसकी पानी दिया इसके, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ शुरू होगी। अच्छा, फिर ये चलना शुरू हो गया? हाँ जी। फिर इसमें नड़ाई लगवाई? नड़ाई लगवाई इसमें, और कल्टीवेटर से अपना जुताई करवा दी, नॉर्मल तरीके, नॉर्मल तरीके। तो इसमें मिट्टी वगैरह नहीं चढ़वाई आपने? नहीं जी, मिट्टी बिल्कुल नहीं चढ़वाता मैं, किसी खेत में नहीं चढ़वाता। अच्छा, नहीं जी, क्यों नहीं चढ़वाते, क्या? क्योंकि उससे जो है जड़ की जो है कट जा, उस टाइम पे जो जड़ विकास होता है वे उसकी वे नसें कट जा। ये मैंने पहली बार ये प्रैक्टिकल करा, मैंने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, जो जोत लिया खोद लिया ऐसी छोड़ दिया बस। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब आप पहले से नहीं चढ़वाते? नहीं जी, मैंने इस बार प्रैक्टिकल करा, क्योंकि पहली बार, हाँ, क्योंकि मैंने सोची भाई अगर ट्रैक्टर से मट्टी चढ़ाऊंगा तो ये धोरे टूटेंगे सारे, ईंख हो गया था बड़ा बड़ा, हाँ जी, मैंने ऐसी छोड़ दिया, यो ठीक, मेरे धोरे भी बच गए और ईंख भी बढ़िया हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, एक बार मैं थोड़ा सा अंदर भी दिखा दूं, एक मुझे जी ये समझ में नहीं आया, आपने सारे खेत में, हाँ जी, किसान भाइयों देखो एक चीज बहुत गौर करने की है, ये सारी पत्ती से उतर रही और सारे खेत में बारीक बारीक फैल रही, यो क्या करी, यो क्या ये ऐसा जी, इस ये जब मेरी ईंख इस जोन पर आई, मैंने ऊपर की यो पत्ती छुटवा के, अच्छा, वहां जो है कीड़ा वीड़ा जो भी अंदर था, फंगस वगैरह जो भी होगी, एक तो वो साफ होगी। तो यो कैसे उतारी ऊपर से? यो ऐसा जी, एक डंडे में दंडल दाती बांध ली, जिससे बरसीम काटे करे, हाँ हाँ हाँ, और वह उससे यूं उतरवा के साफ करवा के जो पत्ते बचे वो यहाँ लपेट दिए, बाकी नीचे गिर गए। अच्छा, तो इसमें कितनी बंधाई होगी जी, तीन चार? इसमें चार बंधाई होगी जी भाई, देखो एक दो तीन, अरे की चार, और जो ऊपर का पत्ता बचा वो आपने नीचे गिर दिया, हाँ जी। तो इसका मतलब जो है अपना वर्मी कंपोस्ट भी बन जाएगा इसका धीरे धीरे, हाँ जी, हाँ, और खरपतवार नहीं होने का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात करेंगे जी इस पे स्प्रे की, हाँ जी, स्प्रे कितने लगा दिए इसमें? स्प्रे इसमें जी चार स्प्रे लगे, चार स्प्रे, हाँ जी। किस किस चीज के लगाए? बस जी कंपनी का, मैं सादी दवाई लगाया करूँ, एक इंसेक्टिसाइड ले लूँ, एक फंजीसाइड वगैरह लगा दूँ बस, ठीक है, ज्यादा कोई वो नहीं है। ले 40 रुपए उसे टंकी वाले को दिए, हाँ जी, और अपने हर 20वें दिन करवा के, और आज यो अक्टूबर आ गया, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अच्छा, हाँ जी, अब कुछ नहीं करवाना? अब कुछ नहीं करवाना इसमें, बहुत बढ़िया। तो गन्ना आपका तैयार है? हाँ जी। किसान भाइयों, ये 0238 गन्ना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जी खेत को देख के, या तो मुझे अपना खेत अच्छा लगा या फिर आज भाई साहब का मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा है। आप भी मेहनत करोगे तो किसान भाइयों सफल हो जाओगे, अभी कोई सामने अच्छी वैरायटी नहीं है। हाँ जी, एक बात और पूछनी थी, हाँ जी, जैसे आप ये लगा रहे हो जी, अभी तो खैर मेहनत करके आपने ये वैरायटी अच्छी कर रखी जी जी जी, दूसरी वैरायटी भविष्य के हिसाब से कोई लेके चल रहे हैं आप साथ में? देखो भाई साहब, ऐसा है जंग तो लोहे में भी लगे, अगर उसकी भी केयर नहीं करोगे उसमें भी जंग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। जो चीज हमारे पास सामने है, हाँ जी, उसे ही संभाल लो। हाँ जी, हाँ जी भाई, नई चीज लाओगे तुम उसका क्या भरोसा? बिल्कुल, कोई कहे जी अभी धरती नहीं पकड़ रहा, अरे इतने धरती पकड़ेगा इतने तुम बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने जो है भाई, जिसने हमें यहाँ तक खड़ा कर दिया जी, इस पे कर दो, मैं ये नहीं कह रहा और मत बो, हाँ जी, हाँ। लेकिन औरों को थोड़ा थोड़ा बोलो, टेस्टिंग था बो, एक दो खूट बो के उनकी टेस्टिंग ले लो, टेस्टिंग बीघे के चक्रों में मत रहो, हाँ जी हाँ, क्योंकि हमने पिछले साल खुद ही थोड़ा सा बीज ज्यादा बोया था जी, ना तो उनकी बॉडी उन्होंने सिलठाई, हाँ, और अब पेड्डी भी उनकी छोटे छोटे टर्रे से करने, हाँ, तो नुकसान तो हमें ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो अपने 38 भी एक दो स्प्रे फालतू कर लेते कम से कम, बिल्कुल होता तो सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा जी,
बहुत ही अच्छा। तो दूसरा वो जैसा मुझे पर एक खेत सा चमक रहा, वो कौन से बीज का जी? वो है जी 13235। तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा फसल चक्र कर रखा आपने, फसल आपने अच्छी कर रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, और किसान भाइयों मेहनत जरूर करें, बीज पर जमीन पर। नमस्कार।